मुझे आईपीएल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, दिल पर मत लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सबका वेलकम है एक और वीडियो में। तो कैसी है पब्लिक, आईपीएल देख रही होगी क्योंकि आईपीएल का सीजन चल रहा है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में। एक्चुअली हम बात नहीं करने वाले, कुछ और करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले नहीं बोलना यार, इतनी बार बोल चुका हूं, अब तो पता चलना चाहिए आपको। इंट्रो टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी कि शुरू करते हैं। होली कब है? कब है होली? दिवाली कब है? नहीं पता हो। लेकिन आईपीएल कब है? सबको पता है, जैसे कि कोई त्योहार हो। मेरा मतलब है कि इंडिया के दूसरे त्योहार का तो पता नहीं, लेकिन आईपीएल का एक बहुत ही बड़े त्योहार की तरह इंतजार जरूर किया जाता है और उसे मनाया भी जाता है। कहीं पे फटाके फोड़े जाते हैं, कहीं पे डीजे लगा के डांस किया जाता है, कहीं पे पार्टी की जाती है, कहीं पे सट्टा खेला जाता है। नहीं, सट्टा तो ज्यादा हो गया, ठीक है, मतलब ये सब किया जाता है। तो यानी कि मतलब आईपीएल इंडिया का एक बहुत बड़ा त्योहार है, दिवाली से भी बड़ा, ठीक है भाई। आईपीएल की टीम्स के नाम भाई, वाह, उनके नाम सुन के ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़े महाराजे ने मतलब उनका नाम रखा है ऐसा। जैसे कि चलो उस पर नजर डाल देते भाई। मुंबई वालों, तुम लोग पहले ये डिसाइड करो कि तुम मुंबई की तरफ से खेल रहे हो या इंडिया की तरफ से खेल रहे हो। अब ये मुंबई इंडियन क्या होता है? अब मुंबई है तो इंडियन ही होगी। अब आपने ये सुना है कि मुंबई चाइनीज, मुंबई अफगानिस्तानी, मुंबई पाकिस्तानी, मुंबई जापानीज, मुंबई अमेरिकन, ऐसा कुछ सुना है? अब मुंबई है तो एक ही इकलौती मुंबई है, तो वो इंडिया की ही होगी, मुंबई इंडियन ही होगी यार, ठीक है ना। फिर भी मुंबई इंडियन, वाह। अब ये लोग कहाँ के राइडर भाई, किस चीज पे राइड करते हैं ये लोग? पता नहीं, राइडर्स कोलकाता राइडर्स, मतलब नाइट रह गया, लेकिन ठीक है राइडर्स, पता नहीं। अब ये दो टीम में चेन्नई के सुपर वाले किंग्स और पंजाब के 11 कितने 11 किंग्स खेलते हैं इन दो टीमों में, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ कि पंजाब में 11 किंग पैदा कब हो गए? तो साले 11 किंग पैदा हो गए तो ठीक है, लेकिन वो खेलने क्यों आ गए? उनकी प्रजा तो मतलब भूखे मर रही होगी यार, इन लोग खेलने आ गए, या फिर उनकी कमाई ये 11 किंग्स की कमाई यहाँ से होती है। चेन्नई सुपर किंग्स, वाह, सुपर किंग्स भी नहीं, सुपर किंग्स, और किंग्स 11 पंजाब, यानी कि पंजाब मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, तो क्या उसमें 11 किंग्स राज करते हैं? और इतने छोटे से पंजाब में 11 किंग्स होते हैं रियली? और वो भी खेलने आते हैं हर साल आईपीएल, वाह। ये टीम में राजस्थान के रॉयल्स खेलते हैं, रॉयल्स सीरियसली, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ये एक अलग ही बकचोदी है, इसका एक अलग ही टॉपिक है और इसका एक अलग ही मैंने बनाया है, स्पेशल बनाया है, आप इंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। अब ना हर आरसीबी फैन का बरसों से एक बहुत ही छोटा सा सपना है कि काश इस साल आरसीबी वाले आईपीएल का कप जीत जाए, लेकिन आरसीबी वाले इतने डीट है कि भाई इनको नहीं चाहिए भाई। वो लोग बोलते है भाई, संतोष ही इंसान है, हर साल हमको आईपीएल का कप नहीं चाहिए, बस खेलते हैं आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, उनको जीतना है ही नहीं। लेकिन भले ये लोग मानते हो या ना मानते हो, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि ये लोग मतलब नहीं जीतेंगे। कितने भी अच्छे खिलाड़ी लाओ, कितने भी अच्छे खिलाड़ी निकाल दो, कुछ भी करो, लेकिन ये लोग नहीं जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से ये 2020 का पनौती साल गुजर रहा है ना, ऐसा लगता है कि ये उन्होंने भी हो ही जाए। और आरसीबी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये एक बहुत ही जबरदस्त कोचिंग टीम है, मतलब कोचिंग देने वाली टीम है। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो फिर कौन सी दुनिया में जीतो यार। लेकिन ठीक है, चल मैं बता देता हूँ। आज तक जो भी प्लेयर आरसीबी की टीम से निकला है या फिर उनको निकाल दिया गया, कुछ भी किया है, वो क्या ही परफॉर्मेंस दे रहा है। अब कौन कौन है, क्या क्या खिलाड़ी है, वो आप जाके सर्च मारो, वो बताने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये सोच लो, और ये सच बात है कि जो भी आरसीबी में खेल के निकला है वो मतलब दूसरी टीम में जाके क्या ही दो रहा है, या फिर मतलब क्या करो, कौन से क्या है वो पता नहीं, लेकिन यही है भाई, जो भी आरसीबी में से निकला वो जाके बहुत जबरदस्त दूसरी टीम में बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन आरसीबी में अब पता नहीं वैसा क्यों है वो पता नहीं भाई। आजकल जो टीवी पर एड आ रही है ना आईपीएल की, वो आईपीएल की एड कम और ऑनलाइन सट्टे की एड ज्यादा लग रही है। मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं ड्रीम इलेवन की ही बात कर रहा हूँ, इसमें डरने का क्या भाई, सही है तो सही है, ऑनलाइन सट्टा है तो सट्टा है, इसमें गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। लेकिन क्या करे, उनको भी दूसरा स्पॉन्सर मिला नहीं, ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सर किया तो फिर चक मार के करना पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। और स्पॉन्सर कम थे क्या? बहुत ही ज्यादा थे, लेकिन नहीं, ऑनलाइन सट्टा खेलना भाई, खेलो
और मरो अपनी। एक बात इनके बारे में समझ लो आप, अगर आप 10 लाख भी जीत गए ना, 10 लाख को बाजू में रखो, अगर आप 10 हजार भी जीत गए ना, तो 10 के 10 हजार आप वापिस खेलने में डाल के हार ही जाओगे। इसमें ओवरऑल आपका फायदा कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एक बार आप जीतोगे बहुत खुश होगे, वाह वाह वाह, लेकिन जो हारते हो ना, तो मतलब जो 10 हजार जीतोगे पूरे के पूरे जाएंगे सट्टे में, कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका। और स्पॉन्सरशिप से याद आया, प्लेयर्स की कॉस्ट्यूम का इवोल्यूशन, क्या ही इवोल्यूशन हुआ है भाई प्लेयर्स की कॉस्ट्यूम का। अभी मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, और एग्जांपल के तौर पे आप समझो कि क्या क्या हुआ है। अब आप किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर का कॉस्ट्यूम उठा के देख लो, आपको साफ दिखने मिल जाएगा कि इतने सारे स्पॉन्सर एक ही टी शर्ट पे, अगवाड़े पिछवाड़े ऊपर नीचे घूम हर जगह पे, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी उन लोगों ने। एक्चुअली टी शर्ट का कलर पता नहीं चल रहा है। अब आप स्क्रीन पे देखो, एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। अब ना आईपीएल के स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। उसको स्टेडियम मत बोलो, एडवर्टाइजमेंट का स्टेडियम बोलो, ठीक है। प्लेयर की टी शर्ट, पैंट, हेलमेट, चड्डी, नहीं चड्डी नहीं होती, स्टंप, बाउंड्री, बाउंड्री के बाजू में जो होता है ना, वो मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, वो भविष्य में बॉल होगी ना बॉल, उसपे ऊपर भी लिखेंगे कि ये कंपनी की बॉल है ये, मतलब अब अगर टाइम आउट देते हैं तो ये टाइम आउट, अगर कुछ खिलाड़ी को बात करना है तो ये टाइम आउट, अब खिलाड़ी ने ये ओवर जीता तो ये, अगर खिलाड़ी ने स्टाइलिश मारा तो ये स्टाइलिश, अगर खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा रन बनाए तो ये सेंचुरी, अगर खिलाड़ी ने अच्छा विकेट लिया तो ये वाला विकेट, ये स्टाइलिश विकेट, वाह। ये स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यार। अब ये सबको पता है कि क्या होता है, मैच के बीच में जो भी एड आते हैं ना, इतने इरिटेटिंग होते हैं भाई, मतलब क्या ही बताएं उसके बारे में। अब इन सब एड्स का एक शेड्यूल भी होता है, मान लो, नहीं मान लो ऐसा कई बार हुआ है, मैंने पर्सनली देखा है, मान लो अगर पांचवें बॉल पे किसी भी प्लेयर की विकेट गिरती है तो ये लोग छठा बॉल नहीं डलवाएंगे, बीच में ऐड डलवाएंगे, और वो ऐड खत्म होने के बाद छठा बॉल वापिस से ऐड, उनको सिर्फ बहाना चाहिए ऐड दिखाने का, वाह। अब ये कुछ ऐसे चूतिया पे जो सिर्फ आईपीएल में आपको देखने मिलेंगे। अब ना कुछ बॉलर्स है आईपीएल के अंदर, उनको अगर एक भी विकेट मिल गया ना, सिर्फ एक विकेट, तो ऐसा रिएक्शन देंगे कि उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, और मतलब क्या स्टाइल है भाई। अब मैं दिखाने वाला हूँ कुछ एग्जांपल के तौर पे, आप देख लो, बहुत ही मजा आने वाला है। Yeah, in terms of this, because this is what we love to see. A little jig from Keswick Williams. Lots of entertainment with the ball. Run the world. Down the Caribbean. And the sergeant. Leg out. And boom. Uniques and look out, taxi, get him back. Well, this is a ball of energy, Imran Tahir. Touches his heart. Here's Superman Russell, showing his strength for everyone to see, pumping those push-ups. Excellent celebration there from... He is an exceptional character. Yeah! And then Mr. Ahmad Wazim, loves his football, Ronaldo. Yeah, very similar to that of Boom Boom from Trinidad. Now for some of you folks at home, do not try this at home. Christopher Lamont. Which button is he pressing as well? अब IPL fans, ये एक अलग ही बकचोदी उनकी। अब ये लोग अपने आप में ही एक टीम को फेवरेट बन लेते हैं, उसके बाद वो टीम उनकी जान बन जाती है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और उसके लिए उस वो टीम जीती तो पार्टी करेंगे, वो टीम हारी तो गाली गलौज करेंगे, वो टीम पे सट्टे लगाएंगे, वो टीम पे अपनी जान लगाएंगे, वो टीम पे अपनी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे। अब ये लोग मैच इसलिए नहीं देखते कि उनको मजा मिलेगा, ये लोग मैच इसलिए देखते हैं कि उनकी टीम जो है ना, वो ये वाले सट्टे पे जीत रही है कि नहीं जीत रही है। और कुछ अलग लेवल के फैंस भी होते हैं जिनको आईपीएल के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, बस कपड़ों के रंग देख के बोलते हैं भाई कि इंडिया का कितना स्कोर हुआ। एक दिन मुझे बंदा बोलता है कि भाई धोनी ऑस्ट्रेलिया में कब से खेलने लगा, अरे भाई तब मुझे लगा कि बिना पानी के मर जाना चाहिए मुझे। अरे भाई धोनी ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहा है, उनको पता नहीं है कि आईपीएल चल रहा है, तो उनका कपड़े देख के मतलब ये प्रिडिक्ट कर लेंगे, पीले वाले कपड़े तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ब्लू वाले है तो इंडिया का हो गया, ग्रीन वाले है तो हो गया। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, एम करता हूँ 25 लाइक के लिए, बस मार देना, पहली बार एम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है आप लोग मार देंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछो, बॉक्स खुला है कमेंट वाला, और इस वीडियो को शेयर करो,
और जो भी आईपीएल का फैन है उसको तो करना ही पड़ेगा भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को आपके सब फ्रेंड्स में बांटने के लिए, तो शेयर मारो जल्दी से मारो ठीक है। और लास्ट में जो भी नया बंदा देख रहा है ये वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब मारो, क्योंकि भविष्य में ऐसी बकचोदियाँ बहुत सारी होने वाली है ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब मारो और घंटी जरूर दबा देना, क्योंकि बिना घंटे के आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो आ गया, तो जल्दी से घंटी दबाओ लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब मारो ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आईपीएल की जय हो। मतलब पीले वाले कपड़े है। काश इस साल आईपीएल